आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माय निशांत, आई एम फिजिक्स टीचर। बेटा अब तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े थे आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ से रिलेटेड, हमने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ लिया था, हमने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ लिया था, हमने लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ लिया था अब तक। उम्मीद करता हूँ वो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड, कॉनकेव मिरर से रिलेटेड और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड लेके आए हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं, बच्चे बहुत गलती करते हैं, लेकिन मेरे होते हुए आपको गलती नहीं करनी है, इट्स अ प्रॉमिस। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ध्यान से देखते रहें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, ठीक है, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर हम लोग आज फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ना हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, बस हम वैल्यू चेंज करेंगे। और ये उम्मीद करूंगा कि जब ये आपको समझ आ जाएगा ना, तो आप लोग अपने आप ही क्वेश्चन बना लोगे। ये गारंटी है मेरी कि आप लोग क्वेश्चन अपने आप बनाओगे। ठीक है, फिर अपने आप बना के आप किसी को भी सेंड कर सकते हो कि क्वेश्चन मैंने बनाया है, सॉल्व करो फटाफट। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम लोग थोड़ा रिपीट कर लेते हैं जो कि हमने लास्ट टाइम पे किया था, 2 मिनट लगेंगे। हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, क्या साइन कन्वेंशन लेते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर के और कॉनवेक्स मिरर की, पहले छोटी सी बात उसी कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले मेरे पास कौन सा मिरर था, कॉनकेव मिरर की बात हम लोगों ने करी थी, कॉनकेव मिरर। ठीक है, और हम बात करेंगे किसी कॉनवेक्स मिरर की, कॉनवेक्स मिरर की बात करेंगे। दोनों की बात करते हैं, कॉनकेव मिरर कॉनवेक्स मिरर। हमारे पास कॉनकेव मिरर जो था वो कुछ ऐसे था ऐसे। ठीक है, ये आपके पास पोल था, कॉनवेक्स मिरर कुछ ऐसे था, सस्ता सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, प्यारा सा, नाटी सा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होता था, फोकस, या आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ आपके पास फोकस और ये होता था आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने सब साइन, हमने यू क्या पढ़ा था, U क्या होता था, U होता था आपका डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यही पढ़ा था हमने U जो होता था। ठीक है, हमने V क्या पढ़ा था, V क्या होती थी आपकी, इमेज फॉर्मेशन। भाई अगर यहाँ पर आपका U रखा हुआ है, ये आपके पास क्या था, ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होता था। इमेज कहाँ फॉर्म होती थी, यहाँ फॉर्म होते थे बिटवीन सी एंड एफ, जो आपके पास हमने V लिया था, तो B आपके पास ये होता था, B क्या होता था, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द इमेज फॉर्मेशन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पर आपके पास B होता था। F क्या होता था आपके पास, फोकल लेंथ होती थी। ठीक है, फोकल लेंथ कहां से कहां तक होती है, F और P के बीच का डिस्टेंस, यही होती थी। अब आपके पास मिरर फॉर्मूला क्या आता था, 1/F = 1/V + 1/U, ये आपके पास कौन सा फॉर्मूला होता था, मिरर फॉर्मूला होता था। एक आपका लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता था जिसे हम m से डिनोट करते थे, वो क्या होता था, h'/h, ये होता था साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और माइनस का v/u, ये सब फॉर्मूला होता था लीनियर मैग्निफिकेशन जब लोग निकालते थे, जब भी मिरर की बात होती थी। अब जब साइन कन्वेंशन की बात आई थी, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब मिरर से इस साइड हम देखेंगे वो सारी वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव। जब हम मिरर से इस साइड देखेंगे वो सारी वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव। मिरर से इस साइड देखेंगे तो सारी वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की साइड देखेंगे तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की साइड देखेंगे तो नेगेटिव। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में भी होता था। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं यू क्या होता था, यू आप लोग क्या लोगे, नेगेटिव, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होता था कॉनकेव मिरर में, इस साइड। वी आपकी इमेज कहाँ बनती थी, इस साइड, तो वी भी क्या होगा आपके पास, नेगेटिव। फोकल लेंथ, यहां से फोकल लेंथ कहां लेते हो, मिरर से इस साइड लेते हो, तो फोकल लेंथ भी क्या होगी, नेगेटिव। क्लियर, तो ये तीनों चीज नेगेटिव होती थी। लेकिन एज कंपेयर टू द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, फोकल लेंथ कहां है, मिरर से उस साइड, तो फोकल लेंथ क्या होगी आपके पास, पॉजिटिव। यू आपका कहां रखा रहता था, यू मतलब यू यहां से लेके यहीं तक होता था, यू आपका मिरर से इस साइड, तो यू इसमें क्या होगा, नेगेटिव। V आपकी हमेशा, जो मैंने बताया था, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है, होती है। और वो इमेज सारी की सारी कहां होती थी, यही होती थी, फोकस से पास होती थी। वो मैंने आपको रूल्स बताए थे, आपके इमेज फॉर्मेशन ही बताया था, सारी इमेज आपकी मिरर से उस साइड बनती थी, मतलब V आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा हमेशा। ठीक है, तो इन दोनों चीज से अगर हम अलग कंक्लूजन लेके चलते हैं तो हमारा एक कंक्लूजन या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। वो क्या हो जाता है, अगर कॉनकेव मिरर की बात करता हूँ, यू नेगेटिव आएगा, एफ नेगेटिव आएगा। ठीक है, और लेकिन बी जो आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी इधर होती है, लेकिन एक
एक पोजीशन ऐसी आती है कॉनकेव मिरर में जहां आपका इमेज मिरर से इस साइड बनती है, वो कौन सी फॉर्मेशन थी, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होता था कहां, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में जब आपका ऑब्जेक्ट यहां रखा होता था इधर, तो आपकी इमेज इस साइड बनती थी, ठीक है। तो मैंने आपको जब इमेज फॉर्मेशन बताया था तो इमेज कहां बनी थी, यहां बनी, तो वर्चुअल और डायरेक्ट होती थी, सीधी होती थी और एनलार्ज साइज की होती थी। तो वहां पर ये आपका वी क्या हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव भी हो जाएगा। तो कॉनकेव मिरर आपकी इमेज जो फॉर्मेशन करता है वो पॉजिटिव भी होगी और नेगेटिव भी होगी। पॉजिटिव कब होगी, जब फोकस और पोल के बीच में रखा रहेगा ऑब्जेक्ट, तो आपकी इमेज कहां बनेगी, उधर बनेगी। नेगेटिव कब होगी इमेज फॉर्मेशन, जब आपकी सारी की सारी इमेज कहां बनेगी, मिरर से इस साइड बनेगी। लेकिन एज कम्पेयर टू द कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर सारी की सारी इमेज जो बनाएगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी और वैल्यू क्या आएगी आपकी, हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि मिरर से उस साइड सारी वैल्यू कौन सी है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो एक चीज हम साइड में उतार लेना, साइड में हम लोग कर लेते हैं कि क्या चीज हमें देखनी है हमेशा। देखो एक चीज और देख लेना, यहां पर हम लोग क्या है, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करते हैं और कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करते हैं, देखो दोनों में कंपैरिजन करते हैं, ये आपके दिमाग में अगर फीड हो गया ना, तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन में कहीं से भी रखते, आउट ऑफ बुक रखते, किसी बुक से रखते, आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। याद देखो, यू यहाँ पर क्या होता था, जहां आपका ऑब्जेक्ट रखा होता था मिरर से किस साइड में, तो ये आपका हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी, ठीक है। आपकी जो फोकल लेंथ होगी कॉनकेव मिरर में क्या होती, मिरर से इस साइड था, तो आपके पास ये क्या होगा, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। यहां पर हमारे पास जो वी इमेज जो आएगी कॉनकेव मिरर में, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, फोकस और पोल के बीच में रखा होगा। नेगेटिव कब होगी, जब इंस्टेड ऑफ पोल और फोकस के बीच में रखा हो, सारे के सारे जितने भी आपके ऑब्जेक्ट रखा, चाहे आपका बियॉन्ड सी रखा हो, चाहे एट सी रखा हो, चाहे बिटवीन सी एंड एफ रखा हो, चाहे आपके पास फोकस पे रखा हो ऑब्जेक्ट, वो सारी वैल्यू क्या आएंगी आपके पास, नेगेटिव वैल्यू आएंगे, ठीक है। अब यहां पर आपके पास वी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर हो गया बच्चे, ठीक है। ये तीनों दोनों कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए और यही कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे तब, जब आप लोग लेंस के बारे में पढ़ोगे, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ोगे और कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो इसे उतार लेना साइड में कि क्या क्या चीज हमें नेगेटिव लेने कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में, क्या क्या नेगेटिव लेना है, क्या क्या पॉजिटिव लेना है, ठीक है। इसे उतार लेना, बहुत बहुत बढ़िया है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है और दिमाग में फीड कर लोगे तो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो इसे उतार फटाफट। चलो भाई, दरिया ही भरा रहे हो तुम आजकल, बारिश भी पड़वा रहे हो, बारिश भी हो रही है अच्छी खासी, चलिए। हाँ, क्वेश्चन आता ही है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जब भी क्वेश्चन पढ़ो पहले चीज याद रखना, जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो आप लोग, मिरर से रिलेटेड हो चाहे लेंस से रिलेटेड हो, सबसे पहले ये देखना है आपको कौन से मिरर की बात कर रहा है, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है या फिर कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, ठीक है। पहला चीज समझ आ गया, सबसे पहले क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में आपको ये देखना है कौन से मिरर की बात कर रहा है, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है या फिर वो कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हियर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, क्या लिखा है, कॉनकेव मिरर, हमें पता लग गया किस मिरर की बात कर रहा है, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, वो क्या कह रहा है, आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूरी पे रखा हुआ है, मिरर कौन सा, कॉनकेव मिरर, बना लेना रफ में, बना लेना साइड में, ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये आपके पास कॉनकेव मिरर। प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन करके देख लेते हैं कि कहां हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी, ताकि हमें आइडिया लग जाए जो हमारा आंसर आएगा ना वो कहां आएगा, किस वैल्यू के बीच में आएगा, ठीक है। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये आपके पास पोल है, ये आपके पास क्या, फोकस, ये आपके पास क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो कह रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट जो प्लेस है वो 30 सेंटीमीटर दूरी पर है,
ठीक है, और फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, आपको V निकालना है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या देखना है आपको, आपको ये देखना है कि कॉनकेव मिरर, मिरर कौन सा, कॉनकेव मिरर है या फिर कॉनवेक्स मिरर। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में हमें ये देखना है कॉनकेव मिरर, जिस जो भी मिरर की बात कर रहा है उसकी फोकल लेंथ कितनी है। क्या पूछा, फोकल लेंथ। दूसरे नंबर पे देखना फोकल लेंथ इससे कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो यहां से पी एफ से लेके पी तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ आपको दे रखी कितनी 10 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ आ गया, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था कि जितना एफ और पी का डिस्टेंस होता है उतना ही एफ और सी का डिस्टेंस होता है, पढ़ा था हमने, तो मतलब ये भी कितना होगा 10 सेंटीमीटर, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। क्लियर, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पी तक का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर पढ़ते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया। हमें पता लग गया कि फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ दे रखी है आपको कितनी 10 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चे, लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है, सारी कन्वेंशन की बातें बात करेंगे, पहले हम आंसर चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर आएगा कहां। फिर वो कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना वो कहां रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, कहां से मिरर से इस साइड। अब ये देखो जब हम 30 सेंटीमीटर की बात करेंगे भैया, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से 10 सेंटीमीटर और दूरी पे लेगा, मतलब यहां से जो ऑब्जेक्ट रखा होगा यहां पर, ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखा होगा ये कितना होगा 10 सेंटीमीटर। क्यों होगा 10 सेंटीमीटर, ये देखो यह वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो प्लेस है 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर से, हो रहा है कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है भाई। यहां से यहां तक तो 20 हो गया ना, हो गया, बचा कितना 10 सेंटीमीटर, यहां तक हो गया 10, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास 10 सेंटीमीटर हो गया, तो यहां से टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास 30 सेंटीमीटर हो गया ना, 30 सेंटीमीटर हो गया। सबसे पहले हमने क्या देखा, मिरर कौन सा, दूसरे नंबर पे क्या देखा, फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ से यह पता लगा सकते हो कि कहां पर आपकी इमेज फॉर्मेशन होने वाली। अब ये देखो कौन सा केस बन गया, केस कौन सा बन गया, बियॉन्ड सी रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, कहां रखा हुआ है, सी से इधर रखा हुआ है। जब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रखा होता है तो आपकी इमेज कहां बनती है, बिटवीन सी एंड एफ पे होती है, मतलब आपकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी। क्लियर है बच्चे, सी और एफ के बीच में बनेगी इमेज। तो हमें एक चीज और पता लग गई, जो आपकी इमेज बनने वाली है ना वो किस वैल्यू के बीच में आएगी वो देखो। ये तो 30 सेंटीमीटर है, यहां पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इमेज कहां बन रही है, सी और एफ के बीच में। भाई यहां तो पी और एफ से यहां तो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर पर बात ही नहीं है, कहां बनेगी एफ और सी, मतलब 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बनेगी और 20 सेंटीमीटर से कम बनेगी। 20 ये होगा 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बनेगी और 20 से आपकी वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, समझ आ गया, ठीक है। यहां देख लो ना, P और F जो आपके पास है वो आपके पास कितना 10, आपकी इमेज कहां बन रही है यहां पर, यहां अगर मैं यहां से यहां की बात करता हूं, इस पूरे की बात करता हूं, 10 तो यही हो गया, यहां तो बननी नहीं, बीच में बनेगी कहां, इसके बाद ही बनेगी, मतलब 20 यहां तक आपका कितना है 20, ये तो पूरा 20 है, 20 से कम बनेगी 10 से ज्यादा बनेगी, 20 से कम क्यों बनेगी, क्योंकि यहां बनेगी आपके पास। क्लियर हो गया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, किस के बीच में आएगा, 10 और 20 के बीच में आने वाला। अगर इससे कम आती है वैल्यू आपकी तो आपका आंसर गलत, अगर 20 से ज्यादा वैल्यू आ रही तो भी आपका आंसर गलत, हम लोग इसे वेरिफिकेशन कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये अभी ऑब्जर्वेशन किया है हमने, हम आंसर निकालेंगे कैसे होगा, लेकिन अगर आपको पता करना है कि मेरा आंसर सही आएगा या गलत आएगा तो आप ऐसे पता कर सकते हो, ठीक है। आपका आंसर क्या आएगा, 10 से ज्यादा आएगा और 20 से कम आएगा। क्लियर, ठीक है, तो हम इसे मिटा देते हैं, यहां पर इसे उतार सकते हो, अगर पोस्ट सकते उतारना तो उतारो फटाफट, ठीक है, उतारो से पोस्ट करके। देखो अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लेना, सीधा फॉर्मूला लगा लेना, कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, फोकल लेंथ दे रखी है आपको,
यू कितना दे रखा है आपको, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। अब साइन कन्वेंशन आपको निकालना क्या है, वी निकालना है। क्या निकालना है, वी निकालना है, इमेज फॉर्मेशन निकालने। कैसे निकालोगे, किस मिरर की बात कर रहा है, कौन के मिरर की बात कर रहा है। अब आ जाओ साइन कन्वेंशन पे, यू हमेशा क्या लेते हैं कौन के मिरर में, नेगेटिव, ठीक है, और एफ भी क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव। तो हमें साइन यही निकाल देना, यही लगा देना, ताकि आप लोग गलती ना करो। याद रखना साइन हमेशा यही लगा देना, ठीक है, नहीं तो बाद में लगाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। सॉरी, अब हमें क्या निकालना, वी निकालना, इसका मिरर फॉर्मूला लगा दो, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। लगा दिया मिरर फॉर्मूला, तो यहां पर आपके पास कितना हो गया, 1 अपॉन एफ कितना है, माइनस का 10 इक्वल्स टू वी आपको निकालना है, प्लस यू कितना है आपके पास, माइनस का 30। क्लियर है, इसको इधर ले जाओ तो आपके पास कितना हो गया, प्लस का 30 इक्वल्स टू 1 अपॉन वी, माइनस का है ना, तो उधर लेके तो आपके पास प्लस का हो गया। अब एलसीएम ले लो उसका पूरा, जो भी आंसर आएगा वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया आपके पास माइनस का 3 प्लस का 1 अपॉन 30 इक्वल्स टू 1 अपॉन बी। एलसीएम ले लिया इसका पूरा, तो माइनस का 3 प्लस का 1 कितना हो गया आपके पास, माइनस का 2 अपॉन 30 1 अपॉन बी। 2 1 2 2 15 ये होगा ना, सही है, 215 कितना होगा, 30। तो माइनस का 1 अपॉन 15 इक्वल्स टू 1 अपॉन वी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर रेसिप्रोकल कर दो, तो आपके पास वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 15 सेंटीमीटर। मैंने आपको क्या बताया था अभी, वी की जो वैल्यू आएगी वो 10 से ज्यादा आएगी और 20 से कम आएगी। क्या आ रही है, 10 से ज्यादा 20 से कम, 15 आ रही है 10 से ज्यादा और 20 से कम। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, आपकी इमेज मिरर से इस साइड फॉर्म हो रही, मिरर से इस साइड फॉर्म हो रही, क्लियर। इसे बता रहा हूं, फिर आगे छोटा सा एक्सटेंड और कर देता हूं क्वेश्चन इसको, ठीक है। फिर सारे क्वेश्चन जितने भी रिलेटेड हैं मैं यही करा देता हूं, सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है। इसे बता रहा हूं फटाफट, पॉज करके उतार देना इसे। चलिए क्वेश्चन मैं आगे इसमें एक्सटेंड कर देता हूं, मैं लिख देता हूं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो दे रखा है आपको, वो दे रखा है, मैं ले लेता हूं 2 सेंटीमीटर, ठीक है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, आपको एक चीज और निकालनी है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज आपको क्या करनी है, फॉर्म करनी है, प्लस नेचर बता देना है आपको, क्या बता देना है, नेचर एंड नेचर आल्सो, नेचर ही बताना है आपको कि आपके पास जो इमेज फॉर्मेशन हुई है उसका नेचर क्या है, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने क्या निकाल लिया, वी पता चल गया, वी इक्वल्स टू कितना, माइनस का 15। यू हमारे पास है तो उसे उतार लो फटाफट, फिर आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास वी निकल गया, वी कितना है आपके पास, माइनस का 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे, वो कह रहा है आपके पास ऑब्जेक्ट का साइज है कितना है, 2 सेंटीमीटर। आपको साइज पता करना है इमेज का, इमेज का साइज क्या आएगा, फिर आपको नेचर बताना है, जो आपकी इमेज फॉर्मेशन हुई है ना उसका नेचर क्या होगा। नेचर मतलब जैसे हमने पढ़ा था रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज इनसाइज, डिमिनिश इनसाइज, कहां फॉर्म हुई है, ये हमने पता किया था, ठीक है, बस वही नेचर होता है। तो यहां पर आपके पास साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस का बी अपॉन यू, यही होता है, यही फॉर्मूला होता है। एच डैश क्या होता है, साइज ऑफ इमेज, एच क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वी क्या आपके पास, जहां आपकी इमेज फॉर्मेशन हुई है और पोल के बीच का डिस्टेंस, यू क्या होता है, जहां आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और पोल के बीच का डिस्टेंस। एच डैश की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, एच डैश आपको निकालना है, ठीक है। h की वैल्यू कितनी है, h कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी है आपके पास, माइनस का 50। u की वैल्यू कितनी है, माइनस का 30। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसे ऊपर नीचे, तो h डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × −15/30। 2 1 2 2 15 15 15 हो गया 1। तो h डैश की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास,
माइनस का 1 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जब भी इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी हम लोगों ने, जब भी आपका बियॉन्ड सी रखा रहता था ऑब्जेक्ट, तो आपका जो साइज आता था वो छोटा आता था। आपको याद हो जो छोटे वो क्या लिखते थे, डिमनेस साइज लिखते थे। और माइनस की वैल्यू आ रही मतलब वो उल्टी फॉर्म हो रही है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ फॉर्म हो रही है, तो आपके पास माइनस का साइन। मैंने आपको क्या बताया, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की सारी वैल्यू पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की सारी वैल्यू क्या होती थी, नेगेटिव। तो यहां पर आपके पास एच डैश जो है वो माइनस का है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके पास क्या होगा, नेचर क्या होगा, टोटल नेचर की अगर हम बात करते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या आएगा आपके पास, डिमिनिश्ड साइज। क्लियर हो गए बच्चे? ठीक है, इस सारे क्वेश्चन आपके बहुत सारे आएंगे, पहले से उतारो फिर आगे हम और इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से सॉल्व करते हैं फिर, ठीक है। अलग अलग वैल्यूज लेते हैं कि इस बार सी लेंगे, आपकी बार क्या था, बियॉन्ड सी था, इस बार हम सी पे लेंगे, फिर हम लेंगे बिटवीन सी एंड एफ, फिर लेंगे फोकस पे, फिर लेंगे बिटवीन एफ एंड पी के बीच। सारे के सारे न्यूमेरिकल इसी टॉपिक से हम लोग क्लियर कर लेंगे, और आप लोग हर एक टॉपिक से अपने आप न्यूमेरिकल्स बना लोगे, इतनी गारंटी मेरी है, ठीक है। चलिए बनाइए सर, चलिए वही क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज कर दी है। दोबारा देखो, कैन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ, अब क्या है, 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ठीक है, फ्रॉम द इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ वही दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है वही 2 सेंटीमीटर। साइज ऑफ इमेज दे रखा है आपको निकालना है, और नेचर आपको पता करना है कि नेचर क्या होगा। रफली दोबारा देख लेते हैं, रफली मैंने आपको भी बताया था कि सबसे पहले आपको क्या देखना है, मिरर कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। फिर आपको दूसरे नंबर पे क्या देखना है, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, ठीक है। उस तरीके से आप लोग पता कर सकते हो कि आपकी इमेज कहां बने। देखो ये आगे पास कितना कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये आगे पास कितना पोल, ये आगे पास फोकस, ये आगे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आगे पास यहां से यहां तक कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। यहां तक कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। टोटल कितना हो गया आपके पास, 20 सेंटीमीटर। क्लियर, 20 सेंटीमीटर। अब देखो ऑब्जेक्ट ना रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, मतलब यहां से सेंटर 20 सेंटीमीटर कहां तक है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ना 20 सेंटीमीटर है ऑब्वियसली। तो आपका ऑब्जेक्ट ना रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है, मतलब कहां रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपके पास ऑब्जेक्ट रखा होता था, हमने रूल्स क्या पढ़े थे, जो इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था, जो आपकी इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, कहां बनेगी बच्चे, इमेज आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, यही बनेगी। और साइज क्या होगा, सेम साइज, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया कि जो आपका एच आएगा, साइज जो आएगा इमेज का, वो तो सेम ही आएगा, एच ही आएगा, ऑब्वियसली आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर की इमेज फॉर्मेशन पड़ी थी। आपकी जो इमेज फॉर्मेशन आएगी वो भी कितनी आएगी, 20 सेंटीमीटर ही आएगी भाई, यहां से यहां तक का सेम डिस्टेंस पे तो आएगी, ठीक है, पता लग गया प्रैक्टिकली। तो अब हम सॉल्व कर देना, सब कुछ पता लग गया ना, सेम साइज की आएगी, सेम डिस्टेंस पे आएगी, ठीक है, इजी लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन कर लेना है कैसे कैसे, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इमेज फॉर्मेशन हो कहां रही है, ठीक है। वो लेक्चर आप लोग देख चुके होंगे, अगर नहीं देखा है तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, आप लोग वो लेक्चर जरूर देखिए, जहां मैंने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, ठीक है। तो यहां दिक्कत आएगी वो सर, चलिए क्या कह दे रखा है यहां पर, वी आर यू क्या आपके पास 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ क्या दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो यू नेगेटिव, एफ बी नेगेटिव, ठीक है। तो आपके पास मिरर फॉर्मूला लगा दो फटाफट से, 1/V + 1/U। एफ आपको दे रखा है कितना, माइनस का 10। वी कितना दे रखा है आपको निकालना है, यू कितना है, माइनस का 20। इधर ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 1/20 = 1/V। क्लियर, ऐसे हम ले लो माइनस का 2 + 1/20 = 1/V, ठीक है। इसे उधर ले जाओ, इधर सॉल्व करो, माइनस का 2 + 1 कितना हो गया, माइनस का 1/20 = 1/V। क्रॉस मल्टीप्लाई करो या रेसिप्रोकल कर दो, कितना आ गया आपके पास, माइनस का 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया,
U भी आपका हमारे से 20 सेंटीमीटर, ये भी आपके पास 20 सेंटीमीटर है, सेम सेम डिस्टेंस से बन रही है। अब साइज से पता कर लेते हैं, इसे उतारो फटाफट। साइज क्या होगा, H डैश अपॉन H इक्वल्स टू माइनस का B अपॉन U, ठीक है। H डैश आपको निकालना है, H की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर, V आपने निकाली है माइनस का 20, U आपके पास कितना दे रखा 20 माइनस का 20, माइनस 20 से माइनस का 20 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया H डैश इक्वल्स टू माइनस का 2 सेंटीमीटर, क्लियर। माइनस का 2 सेंटीमीटर ही आ गया। अब नेचर की बात कर लेते हैं हम लोग, नेचर क्या होगा, नेचर क्या होगा, सेम साइज, सॉरी नेचर क्या होगा इसका, रियल इन्वर्टेड, ठीक है, रियल इन्वर्टेड होगा। साइज बताओगे, साइज ही पूछ लेता है तो सेम साइज, ठीक है, आपका आंसर आ गया, सिंपल, क्लियर है मेरा, सिंपल लगेगा न्यूमेरिकल्स, सिंपल ही लगेंगे, बस प्रैक्टिस करते जाना, उतारो उसे फटाफट, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन है, वैल्यू चेंज दोबारा। कराया ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, अब ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है फ्रॉम द इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, तो फोकल लेंथ वही है 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, साइज दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर, साइज ऑफ इमेज आपको निकालना है, नेचर बता देना है। दोबारा रफली सॉल्व कर लेते हैं, पहले क्या कह रहा है आपसे, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, नन्ना सा प्यारा सा छोटा सा प्यारा सा कॉनकेव मिरर है, यहां से आता कितना डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर फोकल है, ये भी कितना 10 सेंटीमीटर, टोटल कितना 20 सेंटीमीटर, क्लियर। ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट देखो कहां रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर, 10 तो ये रहा, ठीक है, और 20 ये रहा, मतलब इन दोनों के बीच में रखा हुआ है, और यहां से आता का डिस्टेंस कितना 15 सेंटीमीटर, 10 के बाद रखा हुआ 20 से इधर रखा होगा, इन दोनों के बीच में रखा होगा, क्लियर। अब ये देखो कहां रखा हुआ ऑब्जेक्ट, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो आपकी इमेज कहां बनती है जब बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी बनती है, सी बनती है ना, तो यहां बनती है तो आपके पास 15 सेंटीमीटर, आपकी इमेज कहां बनती है बियॉन्ड सी, हमने पढ़ रखा, मतलब 20 सेंटीमीटर से ज्यादा आंसर आएगा आपके पास, आएगा 20 सेंटीमीटर से ज्यादा आंसर आने वाला, पता लग गया, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए जी चलिए, यू क्या है, कौन से मिरर की बात कर रहा है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, अभी कॉनवेक्स मिरर के बारे में बात करेंगे, पहले कॉनकेव मिरर के जितने भी फॉर्मेशन थी सारे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो यू क्या आपके पास कहां गया, यू जल्दी बताओ, माइनस का 15 सेंटीमीटर, आपको एफ कितना दे रखा है माइनस का 10 सेंटीमीटर, क्लियर, तो यहां पर आपके पास बी निकालना, लगा दो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन बी प्लस का 1 अपॉन यू, लगा दिया 1 अपॉन एफ माइनस का 10, 1 अपॉन बी प्लस का माइनस का 1 अपॉन 15, क्लियर, उधर ले जाओ कितना हो गया माइनस का 10 प्लस का 15 1 अपॉन बी, क्लियर है बच्चे, जल्दी बताओ उसका एलसीएम कितना हो गया, 5000 माइनस का 3 प्लस का 2 अपॉन 15, यही आएगा ना, 15 ही तो आएगा पक्का ना, देख लेते हैं 5 3 15 5 10 6 5 30 30 आएगा, चलिए तो इक्वल टू कितना हो गया 1 अपॉन बी, तो माइनस का 3 प्लस का 2 कितना हो गया जल्दी बताओ माइनस का 1, तो हो गया आपके पास माइनस का 1 अपॉन 30 इक्वल टू माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट जल्दी जल्दी, माइनस का 30 सेंटीमीटर कितना आ गया रे बाबा, माइनस का 30 आ गया, 30 माइनस का 30, इसका मतलब क्या हुआ 20 से ज्यादा बन रही, आंसर हमारा करेक्ट आ रहा है, ठीक है, पूरे का पूरा मार्क्स मिलेंगे अगर अच्छा सा सॉल्व करोगे तो, पूरे बट्टा मतलब बट्टा, ठीक है, तो बी क्या आ गया माइनस का 30, एच डैश निकाल लो, एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू कितना माइनस का बी अपॉन यू, एच डैश की वैल्यू कितनी आएगी है बाबा, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 30, U कितना है माइनस का 15, माइनस माइनस कैंसिल 15, एक 15 15 2 जा 30, तो यहाँ के पास H डैश की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 4, 2 2 जा 4, तो आपके पास कितना आ गया H डैश की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 4 सेंटीमीटर, बड़ी आ रही है, हमने पढ़ रखा है कि जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होता था बिटवीन सी एंड एफ के बीच में तो आपकी इमेज एनलार्ज बनती थी और बियॉन्ड सी बनती थी, बियॉन्ड सी क्या 30 आ रही है, बहुत बढ़िया,
एच डैश क्या आपके पास साइज ऑफ इमेज कितना आ रहा है? माइनस को सेंटीमीटर मतलब बड़ा 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 ऐसे बताओ फटाफट, रियल इन्वर्टेड, ठीक है ना बाबा? नेचर पता चल गया, साइज बता देना एल लार्ज साइज, क्लियर सिंपल। चलिए बता फटाफट, काहे परेशान हो रहे हो? चलिए बता रहा फटाफट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वा करते हैं, हाँ लोग चेंज कर देता, ठीक है जल्दी बता, जल्दी बता बोल वक्त कह रहा है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉर्के मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अरे बाबा का पूछा रे, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, वही है सेम क्वेश्चन यार, बार बार पढ़ना पड़ता है, बस वैल्यू चेंज कर दो 10 सेंटीमीटर, और ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का रखा हो जल्दी बताओ, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, कौन सा केस आ गया जल्दी बताओ, सेकंड लास्ट केस। दोबारा देखो ये आपका पास कौन सा बढ़िया सा अभी लेके आऊ, 20 रुपए का लेके आऊ, मेरा ऐसे नहीं मिलता, कमाना पड़ता पैसा, पैसा रे पैसा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कितना है 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आपका 10 सेंटीमीटर पे ही रखा हुआ है, यही रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। केस कौन सा बन गया, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या रखा होता था, फोकस पे रखा होता था, जब फोकस पे रखा होता था आपकी इमेज क्या बनती थी जल्दी बताओ, इमेज कहाँ बनती थी, इन्फिनिटी पे बनती थी। मतलब हमें पता लगे यहीं से कि आंसर जो आना है आपका वी वो क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आना, ठीक है। और नेचर क्यों होगा, नेचर होगा आपके पास कौन सा, रियल इन्वर्टेड, सिंपल, पता लग गया ना यहीं से, ठीक है। अगर आपको आंसर नहीं पता कि भैया मेरा आंसर कैलकुलेट करने में जा रहा हूं, तो लास्ट में आके वी भी आप क्या लिख सकते हो, इन्फिनिटी, आंसर करेक्ट, पूरे नंबर, ठीक है, टक 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 टक। चलिए तो यहां पर आपके पास कितनी होती थी, क्या है v, u कितना है माइनस का 10 सेंटीमीटर, f कितना है माइनस का 10 सेंटीमीटर, v आपको निकालना है 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस का 1 अपॉन u, 1 अपॉन f की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 1 अपॉन 10, v माइनस का 10, माइनस का 10, 10 उधर लेंगे तो कितना हो गया प्लस का 10 इक्वल्स टू 1 अपॉन वी, ठीक है। एलसीएम ले लो तो यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 0, ये तो 0 ही आ गया, माइनस का 1 अपॉन 10, 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन वी, ये होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा वी इक्वल्स टू 1 अपॉन 0, यही होगा। और 1 अपॉन 0 क्या होता है आपके पास, इन्फिनिटी, 1 अपॉन 0 क्या कहते हैं आप लोग, इन्फिनिटी। तो आपके पास ये कितना आ गया वी इन्फिनिटी, ठीक है, याद रखना 1/0 को इन्फिनिटी कहते हैं, कभी यही छोड़ दो, ठीक है। तो आपके पास कितना हो गया, कई बच्चे क्या करेंगे, कई बच्चे करेंगे ये आपके पास 0 आ गया, 1/V = आ गया 0, तो v की वैल्यू भी 0 लिख देंगे, तभी इमेज फॉर्मेशन के 0 पे होती है फॉर्म, नहीं होती ना, तो आपके पास मैथमेटिकल टर्म क्या आ जाती है 1/0 का इन्फिनिटी लिखते हैं, याद रखना भूल मत जाना, पाप चढ़ेगा ना तो बहुत बड़े वाला। तो v = कितना हो गया आपके पास इन्फिनिटी, तो हमें पता चल गया v की वैल्यू कितनी है इन्फिनिटी। H डैश निकाल लो, H अपॉन H इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन यू, आपके पास H डैश, B तो आपके पास इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी के मल्टीप्लाई अगर H से भी करोगे तो भी वैल्यू क्या आएगी इन्फिनिटी, मतलब लार्ज साइज आएगा, तो H डैश की वैल्यू भी क्या आ जाएगी इन्फिनिटी, मतलब हम लिख सकते हैं इसे इन्फिनिटी, जो कि माइनस का आ जाएगा, माइनस का कोई लिख नहीं सकते, बस इन्फिनिटी लिख देना, और एन लार्ज इन साइज। नेचर क्या आ जाएगा आपके पास, नेचर क्या हो गया, रियल इन्वर्टेड एनलार्ज इन साइज, क्लियर सिंपल, कोई दिक्कत, बस गलती मत कर देना यहाँ पर, पाप चढ़ जाएगा ना तो बहुत बुरा बना, मार्क्स कटे ना वही आके देख लेना, हर चीज बंद करा दूंगा, टॉफी चॉकलेट जितने भी तुम चॉकलेट वगैरह खाते हो ना तुम लोग, सब बंद करा दूंगा, ठीक है, यहाँ गलती मत कर देना। तो वी के लिए कितना इन्फिनिटी, रियल नेचर क्या हुआ, रियल इन्वर्टेड एनलार्ज इन साइज, ओके जल्दी उतारो सब फटाफट, फिर एक इससे रिलेटेड चलो क्वेश्चन करते हैं, और भी अभी ये क्वेश्चन हो रहा है इससे रिलेटेड, फिर कॉन्वेक्स मिरर पे बात करते हैं जल्दी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है आपके पास, अब ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है, डिस्टेंस का है 5 सेंटीमीटर, वही फोकल लेंथ है। अब आपका ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है कौन सा केस आ गया, ये आपके पास कॉन्केव मिरर,
ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर है, पोल से यहां तक का 5 सेंटीमीटर, 10 से कम है। ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ है, बिटवीन पी एंड एफ के बीच में रखा हुआ है। तो आपकी इमेज कौन सी बनती थी, इमेज आपकी कहां बनती थी, इस साइड बनती थी इमेज, याद हो तो बनती थी। और वो कौन सी होती थी, वर्चुअल और इरेक्ट। पहला केस है ऐसा कॉनकेव मिरर में जिसमें आपकी इमेज कौन सी बनती थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी बनती थी और एनलार्ज इन साइज, पता लग गया ठीक है। मतलब वी की जो वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव वैल्यू, मिरर से उस साइड की बात कर रहे हैं ठीक है। याद रखना वी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है, क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, समझ आ गया ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आएगी, अब बात करते हैं हम लोग इसकी, साइज ऑफ इमेज हो गया, यू की बात करते हैं, यू कितना दे रखा है, माइनस का 5 सेंटीमीटर, एफ दे रखा है आपको माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो सीधा फॉर्मूला लगा दो, 1/f = 1/b + 1/u, 1/f की वैल्यू कितनी, 1/10 v माइनस का 5 इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, प्लस का 10 5/b 5 माइनस का 1 प्लस का 2 अपॉन कितना होगा 10 1/b। तो यहां पर आपके पास प्लस का 1/10 = 1/b, प्लस का 2 माइनस का 1 कितना होता है, प्लस का 1। तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। कौन सी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब मिरर से उस साइड फॉर्म हो रही है। साइज, अगर साइज की बात करते हैं, एच डैश निकाल लो, एच डैश अपॉन एच माइनस का बी अपॉन यू। एच डैश आपको निकालना है, एच आपको दे रखा है 2, बी की वैल्यू 10 दे रखी है पॉजिटिव, यू आपके पास कितना दे रखा है, माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 × 5 = 10, एच डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2 × 2 = 4, प्लस का 4 सेंटीमीटर, पता लग गया, मतलब सही आंसर आ रहा है हमारा। एच डैश की वैल्यू जो 4 आ रही है, प्लस का आ रही है। और साइज देखो, साइज यहाँ कितना दे रखा है ऑब्जेक्ट का, 2 सेंटीमीटर, यहाँ कितना आ रहा है, 4, मतलब बड़ा साइज आ रहा है। पॉजिटिव वैल्यू मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ फॉर्म हो रही है। तो आपके पास नेचर क्या हो गया, नेचर क्या हो गया आपके पास, वर्चुअल, इरेक्ट, एनलार्ज इन साइज, ठीक है, एनलार्ज इन साइज, क्लियर हो गया। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन थे आपके वो हो गए, कॉनकेव मिरर के लिए। अब एक आधा क्वेश्चन से कॉन्वेक्स ले लेते हैं, फिर एक थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन करते हैं जो कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, वो क्वेश्चन वो भी यही सॉल्व करेंगे ठीक है। सुतारो फटाफट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग स्टार्ट। क्या देखें, क्या लिखा है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, किस मिरर की बात कर रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ए लीनियर ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर ठीक है, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कहा रखा हुआ है, किसके फ्रंट पर रखा हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर। पता लग गया हमें किस मिरर की बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा है। अरे बाबा, किसकी बात, कॉन्वेक्स मिरर ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास फोकल लेंथ दे रखी है उसकी 20 सेंटीमीटर, 2020 सेंटीमीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर, इन फ्रंट ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फाइंड क्या करना है, पोजीशन, उसका नेचर, उसका साइज ऑफ इमेज। पोजीशन मतलब आपके वी, जहां आपकी इमेज फॉर्मेशन हो रही है वी, नेचर के बारे में, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, कितने रहता है ठीक है, और आपके पास क्या साइज, कितना बड़ा, छोटा है, नाटी है, मोटा है, खट्टा है, मीठा है, छोटा है, जो भी ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये पूछा है, सबसे पहले मैंने आपको बताया किसके बात की बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये देखना है हमें कौन से मिरर की बात कर, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में हमने क्या क्या पढ़ रखा है, मैंने आपको बताया था यू इक्वल्स टू क्या लेता है कॉन्वेक्स मिरर में, नेगेटिव ठीक है, फोकल लेंथ क्या लेते हैं आपके पास, पॉजिटिव, सोचने की जरूरत नहीं, यू क्या लेते हो, नेगेटिव, फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, और वी हमेशा क्या आता है आपके पास, वी की वैल्यू क्या है कि हमेशा पॉजिटिव, क्लियर है ठीक है। और नेचर क्या होता है उसका, वर्चुअल और इरेक्ट होता है, सिंपल सी बात ठीक है। और साइज क्या होता है, एनलार्ज इन साइज हो जाता है, या फिर हम बात कर सकते हैं क्या, डिमिनिश इन साइज, वो हम इसको देख के पता करेंगे कौन सा साइज है, एनलार्ज है या फिर डिमिनिश इन साइज है ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर आपके पास हमें पता लग गया कौन से मिरर की बात कर रहा है, कॉन्वेक्स मिरर की, ऑब्जेक्ट का साइज कितना दे रखा है, मतलब एच दे रखा है, एच कितना है, 5 सेंटीमीटर, क्लियर। कहां रखा होगा कि फोकल लेंथ कितनी दे रखी है इसकी, 20 सेंटीमीटर,
कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 20 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? V निकालना है पहले, फिर H डैश निकालना है, क्लियर? फिर नेचर पता कर लेते हैं क्या हो। साइन कन्वेंशन, कॉन्वेक्स मिरर में H की वैल्यू तो पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर ही रखा होता है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर सारी वैल्यू पॉजिटिव। फोकल लेंथ क्या होगी? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। और U क्या होगा आपके पास? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव, ठीक है। तो यहां हमने क्या लगा दिया? नेगेटिव का साइन लगा दिया, क्लियर। अब सीधा फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा? 1 अपॉन F इक्वल्स टू 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U, क्लियर। F की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 20, 1 अपॉन V और माइनस का कितना दे रखा है? 20। ये इधर ले जाओगे तो 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 20 इक्वल्स टू 1 अपॉन V, तो आपके पास 1 अपॉन 20 कितना होगा? 2 अपॉन 20 इक्वल्स टू 1 अपॉन V, सेम ही है। 2 बन जा 2, 2 10 जा, तो 1 अपॉन 10 इक्वल्स टू कितना हो गया? 1 अपॉन V, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 सेंटीमीटर। ये आपके पास कितना आ गया? वैल्यू आ गई। इमेज कहां बन रही है? प्लस का 10 सेंटीमीटर, और प्लस का 10 सेंटीमीटर उधर की साइड मिरर से उस साइड बन रही है कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर कैसे ड्रॉ करते थे आप लोग? ऐसे ड्रॉ करते थे, आपका ऑब्जेक्ट का रखा हुआ यहाँ, इमेज क्या बन रही है आपकी? इधर ही बन रही है, क्लियर। तो आपकी इमेज क्या बन रही है? यही तो बन रही है इमेज, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोगों के पास बी आ गया कितना? 10 सेंटीमीटर। तो आपके पास एच डैश की वैल्यू कितनी आएगी? एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन यू, ठीक है। वही फॉर्मूला चलेगा जो कि कॉन्वेक्स मिरर में था, और कॉन्केव मिरर में था, वही फॉर्मूला चलेगा इसमें भी कॉन्वेक्स मिरर में भी। एच डैश की वैल्यू कितनी आपके पास निकालनी है? एच आपके पास कितना दे रखा है? एच कितना है? 5 सेंटीमीटर। वी आपके पास निकल गया 10, यू कितना है? माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल 0, तो एच डैश इक्वल टू कितना आ गया? 5 अपॉन 2, तो एच डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 सेंटीमीटर। आगे देखो साइज, देखो क्या आएगा, ये कितना 5 सेंटीमीटर, ये कितना आ रहा है इमेज का साइन? 2.5 छोटा आ रहा है, मतलब डिमिनिश साइज आ रहा है। नेचर क्या हो गया? पॉजिटिव आ रही है, ऊपर की साइड बनेगी इमेज, तो आपके पास नेचर क्या क्या आ गया? नेचर को कॉन्वेक्स मिरर में आंख बंद करके लिख देना, रियल सॉरी वर्चुअल और इरेक्ट, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये क्या होगा आपके पास? वर्चुअल इरेक्ट। और साइज क्या होगा इसका? साइज होगा आपके पास डिमिनिश, क्लियर हो गया, सिंपल है। कर लोगे अब तो कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स, कॉनकेव मिरर से हो जाएंगे सारे न्यूमेरिकल्स। अब इससे रिलेटेड जो कि कॉनकेव मिरर से ज्यादातर आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स, उससे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, और फिर गारंटी के साथ आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट कीजिए मिरर से रिलेटेड। कोई प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसे सारा फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, आपके न्यूमेरिकल्स हो सकता है कि आ जाए इस बार, ठीक है। ये छोटा सा नन्ना सा मोटा सा, इस क्वेश्चन को पढ़ो और पहले पढ़ के ऑब्जर्व करते हैं हम लोग कि क्या कह रहा है, क्या कह रहा है गाली भी, इसको आज आग लगा देते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है। आग लगा के फिर क्या करते हैं, इसके ऊपर पानी फेंक देते हैं, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, जिसकी बात कर रहा है वो कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है। तो क्या कह रहा है, इट फॉर्म अ रियल इमेज 4 टाइम्स लार्जर देन एन ऑब्जेक्ट, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, आल्सो कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ गिवन मिरर। कैसे करेंगे, क्या कह रहा है, आपके पास u है, देखो उसमें क्या कह रहा है, डिस्टेंस u है आपके पास कितना 16 सेंटीमीटर, जो ये कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है माना 16, लेकिन आपको निकालना क्या है, v निकालना है रे बाबा, फोकल लेंथ निकालने हैं बाबा। अगर हम नेचर की बात, तो चलो नेचर के बारे में बात करते हैं, बताइए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे पन्ना क्वेश्चन, कैसे पन्ना, कैसे पन्ना क्वेश्चन, कैसे पन्ना, जल्दी बताओ फटाफट, हो गया, देखो कैसे होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन होती है ना ये वाली, ये क्या है, इट फॉर्म अ रियल इमेज 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका मतलब समझना, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका मतलब समझना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इट फॉर्म अ रियल इमेज 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट,
इसका मतलब क्या है? यहाँ लार्जर की बात कर रहा है बेटा, लार्जर की। लार्जर क्या, हम लोग डिस्टेंस की बात करते थे, हम लोग लार्जर साइज की जब बात करते तो एच डैश और एच की बात करते थे, याद है? ठीक है, तो हमें लार्जर से ही पता लगा लेना है कि वो किसकी बात कर रहा है, साइज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, साइज की। जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही है ना, मतलब एच डैश जो हो रही है, ठीक है, एच डैश जो हो रही है वो आपके पास कितना है, 4 times लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, एच डैश जो है वो आपके पास कितना है, 4 into h है, 4 times लार्जर देन h। इसका मतलब ये, समझ आ गया? अगर मैं एच डैश की बात करता हूँ, एच डैश अपॉन एच, एच को नीचे ले लो तो आपके पास 4, क्लियर? ये आपके पास क्या है, 4। एच डैश अपॉन द रेशियो ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, आपका क्या हो गया, 4। यही है, क्या कह रहा है ये, द रियल इमेज 4 times लार्जर देन ऑब्जेक्ट। रियल इमेज जो साइज है 4 times लार्जर देन ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर? तो यहां पर आपको एच नीचे ले गया तो क्या हो गया, रेशियो बन गया, एच डैश अपॉन एच की वैल्यू कितनी आ गई, 4। एक मुद्दा और बन गया, वो मुद्दा क्या है, आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व क्या करना है, सोचना है। अब ये बताओ कि जब हम कॉनकेव मिरर की बात करते थे तो आपका साइज जो होता था, जब हम कॉनकेव मिरर की बात करते थे, आपका इमेज का साइज, ये तो बहुत ज्यादा है ना, 4 times हायर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब 4। अगर एच डैश, अगर एच की वैल्यू 2 हो गई, सपोज करते हैं, अगर आपने साइज की, साइज जो लिया वो 2 centimeter लिया, तो आपका एच डैश कितना आ रहा है, 4 multiply into 2, ठीक है, 4 into h है ना, तो 4 into 2 कितना हो गया, 4 2 जा 8, मतलब बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, एनलार्ज आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा। अब ये सोचो कि आपका जितने भी केस थे कॉनकेव मिरर में, जितने भी केस थे, उन सभी केसों में 2-3 आपके केस ऐसे थे जहां आपकी साइज ऑफ इमेज जो आ रहा था वो एनलार्ज साइज आ रहा था, किस किस केस में आता, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, जब आ रहा था, एक आपका आ रहा था कब, जब आपका फोकस में रखा था, साइज क्या था, एनलार्ज, बहुत ज्यादा एनलार्ज आता लेकिन वो इनफाइनाइट आ रहा था, ठीक है, एनलार्ज ही मान लेते हैं हम लोग, तो 2 cases ऐसे थे, ठीक है। तो मतलब आपकी जो इमेज फॉर्म हुई थी वो इमेज कौन सी फॉर्म, उसका नेचर क्या था, रियल और इन्वर्टेड था, रियल इन्वर्टेड, क्लियर हो गया यहां तक। जब आपका इमेज, जहां भी एनलार्ज साइज की इमेज आती है आपकी, ज्यादा बड़ी आती है, तो आपकी जो नेचर होता है वो क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर है, रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, जब भी रियल और इन्वर्टेड की बात आती थी, जब भी रियल और इन्वर्टेड की बात आती थी, यहां पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया था मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ाया था, याद है, लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में, वहां मैंने आपको कुछ पॉइंट लिखवाए थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए थे कि लीनियर मैग्निफिकेशन अगर +1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, स्मॉलर देन 1 होगा तो क्या वैल्यूज होंगी, अगर माइनस का होगा तो क्या वैल्यूज होंगी। मैंने आपको बताया था कि अगर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव कब होगी, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव कब होगी, जब आपकी इमेज क्या होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था, याद है, तो अगर नहीं देखा वो लेक्चर तो आप वो लेक्चर देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन से, वहां साइन कन्वेंशन आपको पता चल जाए। जब भी लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव होती थी, या फिर हम कह सकते हैं रियल और इन्वर्टेड आती थी कोई इमेज, तो आपकी लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, क्योंकि मुझे अब न्यूमेरिकल्स कराने थे। तो यहां पर हमें ये पता लग गया कि जो आपकी इमेज फॉर्मेशन कर रहा है कॉनकेव मिरर, वो रियल और इन्वर्टेड ही होनी है। क्यों होनी है, क्योंकि साइज क्या है, बड़ा है साइज, किसका, इमेज का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब एनलार्ज साइज है कॉनकेव मिरर, ठीक है, तो रियल है और इन्वर्टेड है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास, नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होगी, वैल्यू नेगेटिव, यहां तक क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, जब ये मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी, साइज ऑफ, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन u, यही होता है। अब ये देखो, इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है, इसकी बात देखो, एच डैश अपॉन एच
ये क्या ले वैल्यू कर सकता हूँ, एम इक्वल टू एच डैश अपॉन एच लिख सकता हूँ, वही है फॉर्मूला लीनियर मैग्नीफिकेशन एच डैश अपॉन एच। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन का जो वैल्यू है एच डैश अपॉन एच वो क्या है आपके पास यहाँ पर 4 है, ये तो एच डैश अपॉन एच इक्वल टू 4, एच डैश अपॉन एच इक्वल टू एम की वैल्यू, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या है आपके पास 4। और यहां हमें पता चल चुका है कि रियल और इन्वर्टेड है, तो यहां पर वैल्यू माइनस का 4 होगी, प्लस का 4 होगी, माइनस का 4 होगी। अब क्लियर हो गया, ठीक है, कैसे पता चला रियल और इन्वर्टेड, और वो कैसे पता चला इसके साइज से, क्लियर हो गया। तो यहां पर जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, ये किसका काम कर रही है, एम का काम कर रही है मैग्नीफिकेशन का, तो ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी, ये माइनस का 4 वैल्यू होगी, क्या होगी ये माइनस का 4, क्लियर हो गया। अब क्लियर है माइनस का क्यों साइन आया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस साइन कैसे आया, ये वैल्यू आपके पास साइन यहाँ पे ऐसे आया, क्लियर हो गया। पता कैसे करा, रियल और इन्वर्टेड से, और जब भी इमेज आती है तो हमेशा मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, तो ये किसका काम कर रही है, ये मैग्नीफिकेशन का काम कर रही है, मैग्नीफिकेशन लिख लेता हूं मैं, माइनस का 4 की जो वैल्यू है, एम की जो वैल्यू है वो कितनी है माइनस का 4, क्लियर, ये लिख लेता हूं मैं यहां पर लीनियर मैग्निफिकेशन, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, हमें पता लग गया एच डैश अपॉन एच की वैल्यू क्या है, माइनस का 4 वैल्यू है, तो वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, क्या होता है एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस का बी अपॉन यू, यही होता है, एच डैश अपॉन एच की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 4, माइनस का बी की वैल्यू आपको निकालनी है, यू आपको दे रहा है कितना 16, माइनस 16 कैंसिल आउट हो गया माइनस से माइनस, बी की मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना हो गया माइनस का 4 इंटू 16, तो ये हो गया आपके पास 64 सेंटीमीटर। अब ये देखो आपके पास बी क्या आ रहा है, आपके पास माइनस का साइन आ रहा है, और माइनस का साइन का मतलब क्या है, माइनस का साइन का मतलब क्या, इमेज कहां बन रही है, मिरर से इस साइड बन रही है, ठीक है। तो आपके पास चलो नेचर के बारे में बात बात करेंगे, अभी आपके पास v की वैल्यू आई है, डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज फ्रॉम द मिरर आ गया, कैलकुलेट फोकल लेंथ, फोकल लेंथ तो निकाल लेते हैं हम लोग, फोकल लेंथ क्या होगी यहाँ पर 1/f = 1/b + 1/u, तो 1/f की वैल्यू कितनी आपके पास निकालनी है, v आपके पास कितना आया माइनस का 64, यू की वैल्यू कितनी है माइनस का 16, तो 1/f = कितना हो गया माइनस का पहले ऊपर कर लेते हैं माइनस 64 माइनस का 16, तो 1/f = कितना हो गया 1 माइनस का 4 अपॉन 64, तो ये वैल्यू कितनी आ गया आपके पास ऐसे निकाल के 1/f = माइनस का 5 अपॉन 64, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आपने तो f की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 64 अपॉन 5, 5 × 5 5 × 10 और 5 × 8 = 40, ये तो आई, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितनी आ गया आपके पास माइनस का 12.8 सेंटीमीटर, ये आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया। अब फोकल लेंथ यहां से एक और ऑब्जर्वेशन होगी हमारी पास, क्या हो गया फोकल लेंथ क्या आ रही है नेगेटिव, और कॉनकेव मिरर में आप लोग हमेशा क्या लेते हो फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक अगर ये समझ नहीं आई लाइन तो आप लोग इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते, और ये लाइन कब समझ आएगी जब आपके सारे कॉन्सेप्ट आपने जितने भी लेक्चर है मेरे वो देखे होंगे, सारे मैंने वहां कॉन्सेप्ट क्लियर करा रखे हैं, अगर नहीं देखे तो जरूर देखिए हुए, ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो ये आपके पास वी आ गया माइनस 64, फोकल लेंथ आ गया 12.8, अगर नेचर की बात कर देता है तो नेचर क्या होगा इसका, नेचर हम लोग लिख देते हैं क्या रियल होगा इन्वर्टेड होगा, रियल इन्वर्टेड, ठीक है, तो नेचर हो गया, ठीक है। तो इसे उतारो फटाफट, तो आज के लिए हम लोग इतना, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, और जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड सारे लगाइए, कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड, कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड, और इस टाइप के जितने क्वेश्चन है सारे लगाइए और प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, लाइक कीजिए शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके बच्चों के साथ, ताकि और बच्चे भी अपने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर ले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो जय हिंद जय भारत, घर में रहिए सुरक्षित रहिए, ठीक है, टाटा।